ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि बहुत मेहनती होता है और वो बोल भी नहीं सकता था। उसका नाम लाइगर होता है, जो कि कनफू का स्टूडेंट था और उस कनफू का नाम साउलिन था। लाइगर वहाँ नया आया होता है, इसीलिए उसे यहाँ रहने में काफी मुश्किलें आ रही थीं और वो मास्टर के द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने में बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाता था। अब एक दिन साउलिन के मास्टर सभी स्टूडेंट को नदी से पानी लाने को कहते हैं, लेकिन इसके लिए उन सभी को वहाँ पर बहुत ही भारी लोहे के जूतों को पहन कर जाना था। मास्टर उन्हें बताते हैं कि चलने के दौरान ये टेक्निक उन्हें अपनी ताकत पैरों में इकट्ठा करने में मदद करेगी, जिससे तुम अपने आप को परिंदों से हल्का महसूस करोगे और ये तुम्हारी पानी में भी चलने में मदद करेगा। वहीं बाकी बालक सबसे पहले नदी से लाइगर को पानी भरने देते हैं और जब सब लोग पानी भर लेते हैं तो सभी स्टूडेंट उसे वापसी में उससे पहले पहुंचने की शर्त लगाते हैं। लाइगर उनकी शर्त को मान लेता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बड़ी आसानी से हरा देते हैं, जो कि जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और नदी के पास बैठकर किसी सोच में गुम हो जाता है। और तभी वो अपने पापा के बारे में सोचने लगता है, जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिनका एक मास्क पहने लुटेरे ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और हमें पता चलता है कि इसी इंसिडेंट ने उसे काफी प्रभाव में डाला था और इसीलिए उसने बोलना भी छोड़ दिया था। तभी एक नन जो कि उसे सोच में गुम बैठे हुए देखती है, वो उसके पास आती है और खुद को एक साउलिन की नन बताती है, जो कि मास्टर की दोस्त थी। वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है और बताती है कि साउलिन कनफू का बहुत ही पुराना इतिहास है और इसमें जीत पाना बहुत मुश्किल है और इसको थोड़ा बहुत भी सीखने के लिए बहुत मेहनत और कठोर दिल की जरूरत होती है। उस नन की बात सुनकर लाइगर को हिम्मत मिलती है और वो अपने टास्क को पूरा करने का इरादा करता है और जल्द ही अपने काम को पूरा कर लेता है। लेकिन लाइगर टास्क को पूरा करने वाला सबसे लास्ट बंदा होता है, इसीलिए मास्टर उसे काफी डांटते हैं और उसे कमजोर कहकर वहां से निकल जाने को कहते हैं। ये सुनकर लाइगर घुटनों के बल गिरकर मास्टर से माफी मांगता है ताकि वो उसे वहाँ पर रहने दे और वो कनफू सीख सके, जिस पर मास्टर उसे यहाँ पर रहने की इजाजत दे देते हैं, मगर उसे सजा के तौर पर लकड़ियाँ काटने को कह देते हैं। जब लाइगर लकड़ियाँ काट रहा होता है तो वो दोबारा से अपने ख्यालों में खो जाता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्क आ जाता है जो काफी ज्यादा नशे में होता है, जिसे देख लाइगर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। अब यहाँ वो मॉन्क उसे साउलिन के बारे में कुछ बातें बताता है और फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो इतना नशे में होता है कि उससे ठीक से चला भी नहीं जाता, इसीलिए लाइगर उसका पीछा करने लगता है। वो मॉन्क एक झरने के पीछे एक गुफा में जाता है और उसके पीछे पीछे लाइगर भी वहाँ पहुँच जाता है। वहीं पर वो एक आदमी को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है। वो मॉन्क उसे खाना देने आए होते हैं, जो वहाँ पर गुस्से से चिल्ला रहा था। अब जब वो मॉन्क वहाँ से जा रहे थे तो वो आदमी कहता है कि वो उसके लिए शराब लेके आए। इसके बाद लाइगर उस आदमी के पास जाकर उसकी खाना खाने में मदद करता है। ये देख वो आदमी उस पर विश्वास करने लगता है और जब वो अपना खाना खा लेता है तो वो लाइगर से कहता है कि जब तुम अगली बार आओ तो मेरे लिए दारू लेके आना। उसी रात साउलिन का सबसे बेस्ट फाइटर वुडन मैन के लेन को फाइट का चैलेंज करता है। तभी हमें पता चलता है कि वुडन मैन एक लकड़ी का रोबोट सा था और उस एरिया में 36 साउलिन वुडन फाइटर थे, जो कि हमारे टेकन 3 के गेम जैसा है, लेकिन असल में वो एक मशीन थी जिनको मैकेनिकल मूवमेंट दी जाती थी, जिनकी वजह से उन्हें हराना मुश्किल था। और जो कोई भी उस गैलरी में जाता था वो मशीन उस पर अटैक कर देती थी और जो कोई भी उसे हराने में कामयाब हो जाता था उसे साउलिन छोड़ने की परमिशन मिल जाती थी। वहीं पर लाइगर और उसके साथी इस फाइट को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन वो फाइटर ये लड़ाई हार जाता है। उसे देखकर मास्टर उसे काफी डांटते हैं और उससे कहते हैं जल्दी ठीक होने के बाद उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन लाइगर खाना खाते समय एक बंद छुपा लेता है ताकि वो उस आदमी को दे सके और वो चुपके से मॉन्क की दारू भी चुरा लेता है और फिर वो उस आदमी को पिलाता है, जिससे वो लाइगर से बहुत खुश होता है और अगली बार उसे महीम दारू लाने को बोलता है। जिसके बाद वो लाइगर से पूछता है कि आज वो दोनों मॉन्क क्यों नहीं आए जो रोजाना मुझे खाना देने आते थे। तभी लाइगर उसे बताता है कि एक फाइटर ने वुडन मैन लेन से फाइट करने की नाकाम कोशिश की थी, इसीलिए सब उस लड़ाई को देखने में बिजी थे। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और वो कहता है कि कोई कैसे इन लकड़ियों की मशीन से हार सकता है, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। ये बात सुनकर लाइगर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो आदमी उसे बताता है कि इसे जेल में इसीलिए डाला गया है क्योंकि वो एक ऐसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था जिसका नाम लाइंग रोड्स है और इस टेक्निक से वो किसी भी चीज को तोड़ सकता था, यहाँ तक कि वो लोहे को भी तोड़ सकता था। जिसके बाद वो कहता है कि अगर वो इसी तरह उसके लिए दारू लाता रहेगा तो एक दिन वो जरूर उसे वुडन मैन से लड़ना सिखाएगा। उसी दिन लाइगर दोबारा से मॉन्क की दारू चोरी करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद मॉन्क उसे भर भर के मारता है और
और उसे सबक सिखाने के लिए हर रात को किचन की सफाई करने की सजा देता है, जिसके बाद वो सारी रात साफ सफाई में गुजार देता है। अब मॉन्क उसका काम देखकर उससे काफी खुश होता है और उसे एक फल देता है और वो कहता है कि उसे अब दोबारा किचन साफ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सीधा उसी गुफा में जाता है और अपने फल को उस आदमी को दे देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। वो उससे पूछता है कि उसने अब तक यहाँ पर क्या सीखा है। लाइगर उसे बताता है कि वो शाओलिन में 5 सालों से है और अभी तक वो कंफू नहीं सीख पाया है। इसके बाद वो आदमी लाइगर को कंफू सिखाने को बोलता है, जिसके बाद वो तुरंत उसे कंफू सिखाने लगता है और लाइगर लाइंग रूट्स की ट्रेनिंग लेने लगता है। एक दिन वो नन, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था, वो लाइगर को जंगल में इनकिलिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए देख लेती है। जब लाइगर उसे देखता है तो वो जल्दी से उसके पास जाकर ये बात किसी को भी ना बताने को कहता है। तभी वो नन उसे बताती है कि जो वो कर रहा है वही असली में शाओलिन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो उसे बताती है कि मार्शल आर्ट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का एक तरीका है, इसीलिए उसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नहीं तो ये टेक्निक उसके लिए डेंजर भी हो सकती है। जिसके बाद वो उसे एक और टेक्निक के बारे में बताती है, जिसका नाम ईगल स्नैक था, जो जान से मारने के लिए इस्तेमाल होती थी। नन उसे ये टेक्निक सिखाने को बोलती है, लेकिन वो उसे बताती है कि ये टेक्निक उस किलिंग टेक्निक से बिल्कुल अलग है जो वो उस आदमी से सीख रहा है। अब लाइगर थोड़ा सोचने के बाद नन से वो टेक्निक सीखने को तैयार हो जाता है और अब वो खुशी खुशी सीख रहा होता है। और अब वो दोनों टेक्निक एक ही टाइम पर सीख रहा होता है और टाइम के साथ साथ वो दोनों ही टेक्निक का मास्टर बन जाता है। ये देखकर वो आदमी काफी खुश होता है और वो उसे बताता है कि अब लाइगर शाओलिन के वुडन मैन का टेस्ट पास करने के लिए रेडी है और वो शाओलिन छोड़ सकता है। ये सुनकर लाइगर काफी खुश हो जाता है। अब इससे पहले वो वहां पर जाता, वो आदमी उसे एक पेपर देता है और उसे वो पेपर एवरग्रीन मेडिसिन शॉप के कैशियर को देने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइगर वुडन मैन गैलरी में जाता है और लकड़ियों की बनी हुई मशीनों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। उसी दौरान उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और उनसे लड़ता हुआ आखिर में वो उस चैलेंज को जीत लेता है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अगले दिन लाइगर शाओलिन छोड़ने से पहले मास्टर के पास जाता है ताकि वो उनसे आशीर्वाद ले सके, लेकिन मास्टर उससे पूछते हैं कि उसे कंफू कौन सिखा रहा था, क्योंकि वो पहला आदमी था जिसने वुडन मैन लेन वाला चैलेंज कंप्लीट किया था। लेकिन लाइगर उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। लाइगर के वहां से जाने से पहले मास्टर उसे बताते हैं कि कंफू बस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का एक जरिया है और अगर इसे गलत तरीकों से यूज किया जाए तो ये मौत और तबाही का कारण भी बन सकता है, लेकिन अगर इसे नेक कामों के लिए यूज किया जाए तो इससे बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और अब वो उसे एक रोल देते हैं और कहते हैं कि वो विंडी हिल चला जाए और सबलाइंग मास्टर से मिले, जिसके बाद लाइगर सीधा एवरग्रीन मेडिसिन शॉप पर जाता है और कैशियर को वो पेपर दे देता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। तभी हमें पता चलता है कि उस पेपर में एक सीक्रेट मैसेज था और कैशियर उसे ग्रीन ड्रैगन गैंग के मेंबर के पास ले जाता है, जिसके बाद लाइगर वहां से चला जाता है और वो पास के एक होटल में रहने लगता है, क्योंकि उसने होटल के ओनर की बेटी जिसका नाम ऑर्चिड था उसे ड्रैगन गैंग के कुछ गुंडों से बचाया था। दूसरी तरफ वो आदमी अपनी लाइंग रोड टेक्निक की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इधर ड्रैगन गैंग के गुंडे एक बार फिर से ऑर्चिड पर अटैक करके उसे बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद वो 500 सिक्कों की डिमांड करते हैं और अब लाइगर और उस होटल के मालिक का बेटा उन्हें सिक्के देने जाते हैं। तो वो देखता है कि वो जेल वाला आदमी अपने साथियों के साथ शाओलिन के मॉन्क से लड़ रहा होता है, लेकिन लाइगर को ये नहीं पता होता कि वो कैदी ग्रीन ड्रैगन गैंग का लीडर है, इसीलिए वो उसे मॉन्क से बचाकर वहां से भागने में उसकी मदद करता है। इसके बाद वो उस कैदी को ऑर्चिड के बारे में बताते हैं तो वो उनकी हेल्प करने का वादा करता है, जिसके बाद वो रात में किसी के घर में रहते हैं। लेकिन तभी लाइगर ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो कैदी उसी घर के ओनर के भाई को मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक मॉन्क है, जिसके बाद वो कैदी लाइगर और ऑर्चिड के भाई को भी उस घर से निकाल देता है। इसके बाद वो दोनों सिक्के देने जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो ऑर्चिड भी अपने आप घर पहुंच चुकी थी। उसी रात लाइगर और ऑर्चिड के फादर फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जो कि खुद ही कंफू का एक्सपर्ट था। तभी लाइगर को ये एहसास होता है कि ऑर्चिड के फादर ही उसके फादर के कातिल हैं। अगले दिन लाइगर मास्टर के द्वारा दिए गए बैम्बू पेपर को सबलाइंग मास्टर के पास ले जाने का फैसला करता है। वो मास्टर उस पेपर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लाइगर उसी कैदी का चेला है, जिस वजह से वो मास्टर लाइगर को गलत रास्ता चुनने के लिए सजा देता है। लेकिन इसके बावजूद वो उसे दोबारा ठीक रास्ते की तरफ आने के लिए उसकी हेल्प करने का वादा करता है। और फिर वो मास्टर उसे उस कैदी की कहानी बताने लगता है कि जब वो शाओलिन टेम्पल का हेड था तो वो कैदी काफी घमंडी था। एक दिन वो वहां से भाग जाता है और ग्रीन ड्रैगन गैंग बना लेता है, लेकिन जल्दी उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अब शाओलिन के हेड के तौर पर वो मास्टर अपने स्टूडेंट के गलत कामों की जिम्मेदारी
जानकारी लेता है और वो अपने आप को अंधा कर लेता है, जिसके बाद वो मास्टर पीस्ट को सालून का हेड बनाकर खुद जंगल में रहने लगता है। जल्द ही वहाँ पर मास्टर पीस्ट भी पहुँच जाते हैं और वो संधे मास्टर को बताते हैं कि वो कैदी सालून से भाग गया है और वो उन सभी से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसे कैद में डाला था। मास्टर अंधे प्रीस्ट को बताता है कि वो किसी भी टाइम अपने गैंग के साथ सालून पर हमला कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि मॉन्क इतने ताकतवर हैं कि इससे लड़ाई कर सकें। और अब तो उसने लाइंग रोड टेक्निक में भी महारत हासिल कर ली थी। अगले दिन वो अंधा मास्टर उन्हें एक बुक देता है जिसमें मार्शल आर्ट की हर एक टेक्निक मौजूद थी और लाइगर उन टेक्निक में मास्टर की मदद से जल्दी महारत हासिल कर लेता है। अगले सीन में जब वो कैदी सालून पर अटैक करने आता है तो लाइगर सालून को बचाने के लिए उस कैदी के सामने खड़ा होता है और यहाँ वो कैदी एक और बात भी बताता है कि लाइगर के पिता का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कैदी था, जिसे सुनकर लाइगर को बहुत गुस्सा आता है। और तभी हमें पता चलता है कि लाइगर तो गूंगा था ही नहीं। वो उसे बताता है कि उसने अपने आप से ये वादा किया था कि जब तक वो अपने फादर के कातिल को ढूंढ नहीं लेता तब तक वो कुछ नहीं बोलेगा। और अब जल्द ही उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लाइगर अपने टीचर की किलिंग टेक्निक का यूज कर रहा था जिससे वो कैदी के हर वार से बच रहा था और लाइगर बहुत ही आसानी से अपनी सारी टेक्निक का यूज करके उसे हरा देता है। और वो उससे कहता है कि मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा कि तुझे अपनी सारी जिंदगी सालून में ही गुजारनी पड़ेगी, जिससे वो कैदी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी बाकी लाइफ जेल में नहीं गुजार सकता और वो लाइगर से काफी खुश होता है क्योंकि लाइगर इन टेक्निक में उससे ज्यादा माहिर हो गया था। अब जैसे ही लाइगर का ध्यान वहां से हटता है तो वो कैदी लाइगर को मारने के लिए एक आखिरी अटैक करता है जिससे लाइगर संभल नहीं पाता और वो कैदी उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उसके गले पर वार करने ही वाला था कि तभी लाइगर वहां से हट जाता है और वो सीधा अपने ही गले पर अटैक कर लेता है और मर जाता है। इसके बाद लाइगर फिर से सालून ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पर हमेशा के लिए मॉन्क बन जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये मूवी देखनी है तो टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।